अच्छा जी, जस्ट टू मेक श्योर कि हमें चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही हैं सही करके, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं। हमारे पास एक नोड है, एक ट्री है, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्री है। अब हम लोग एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना चाहते हैं जिसके अंदर हम लोग काउंट करें कि इस ट्री के अंदर कितनी नोड्स हैं। मतलब समझ आए कि हम लोग ने जो फंक्शन लिखना है वो हमारे पास काउंट नोड्स का एक फंक्शन होगा जो हमें बताएगा कि हमारे पास इस ट्री के अंदर हमारे पास कितनी जो है वो हमारे पास नोड्स हैं। तो अब इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन हम लोग कैसे डिजाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग हर रिकर्सिव फंक्शन के अंदर जो ट्री के लिए होगा उसे रूट नोड पास करेंगे ना, रूट नोड का एड्रेस पास करेंगे क्योंकि वो एक ही नोड का एड्रेस हमारे पास पड़ा हुआ है। तो अब जब हम लोग जो है वो इसको एड्रेस पास करते हैं, लेट से एक पॉइंटर ले लेते हैं। अब इसके अंदर क्योंकि देखो अब हम लोगों ने पॉइंटर्स को चेंज नहीं करना ना, सिर्फ हम लोगों ने नोड्स को काउंट करना है, तो इसके लिए हमें बाय रेफरेंस पास करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोगों ने ट्री कहा था, सॉरी पॉइंटर कहा था, तो अब हमारे पास इसको बाय रेफरेंस पास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कोई लिंकिंग चेंज नहीं करनी, कोई नई नोड इंसर्ट नहीं करनी, बस हम लोगों ने काउंट करना है कि स्ट्रीम में कितनी कितनी हमारे पास नोड्स हैं। तो इसका मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि जब हम लोग इस नोड पे आएंगे तो हम लोग काउंट करेंगे कि ये देखो पहले ही देखेंगे कि ये नोड नल है या नहीं। अगर नल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये एक नोड तो है, इसके बारे में हमें पक्का पता है कि 51 नोड है, ठीक है, एक नोड है। और फिर इससे आगे हम लोग जो है वो जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो रिकर्जन के थ्रू कर लेते हैं। किस तरह रिकर्जन के थ्रू कर लेते हैं, एक हमने इसको काउंट कर लिया, ठीक है, फिर हम लोग काउंट कर लेंगे कि इसके लेफ्ट साइड पे कितने चिल्ड्रन है और इसके राइट साइड पे कितने चिल्ड्रन है, ठीक है। फिर लेफ्ट पे आएंगे, इसको काउंट 25 को काउंट कर लेंगे, ये तो एक नोड है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके दोबारा प्लस कर देंगे कि इसके लेफ्ट साइड पे कितने चिल्ड्रन है, इसके राइट साइड पे कितने चिल्ड्रन है। इसके लेफ्ट पे आएंगे 15 हमारे पास, इसको काउंट कर लेंगे कि ये हमारे पास एक नोड है। फिर हम लोग काउंट कर लेंगे कि इसके लेफ्ट साइड पे कितने चिल्ड्रन है, इसके राइट साइड पे कितने चिल्ड्रन है। तो जब हम लोग 15 के लेफ्ट साइड पे देख रहे होंगे कितने चिल्ड्रन है, तो हमें कितने चिल्ड्रन मिलेंगे, ये 15 डॉट लेफ्ट के लिए इस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे तो कितने चिल्ड्रन मिलेंगे 15 के लेफ्ट पे, सर कुछ जीरो सर जीरो। तो वो सर हमारे कुछ पास नहीं, क्या हो जाएगा, वहां पे जाके हम लोग रिकर्जन को रोक देंगे कि उससे फिर आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड पे बाकी कोई पाथ नहीं है, तो वहां पे आगे जाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो एक हम लोग और बना लेते हैं, लेट्स से 75 के राइट साइड पे हम लोग एक 100 एक नोट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, मुझे जो है आपने ये रिकर्सिव जो एक आपको रफ आइडिया हो गया ना कि हमारे पास ये रिकर्सिव फंक्शन कैसे काम करेगा, तो आपने जो है वो मुझे इसका कोड जो है वो आपने मुझे लिखवाना है, मुझे थोड़ी हेल्प करनी है आपने कि हमारे पास ये कोड कैसे काम करेगा। तो इसका नाम रख लेट से काउंट नोड्स इसका नाम रख लेते हैं। इसके अंदर जो पॉइंटर है वो हम लोगों ने चेंज नहीं करना, तो ये हम लोग कॉन्स्टेंट बी नोड टी स्टार एक कॉन्स्टेंट उसको ले लेते हैं। बाय रेफरेंस हमें लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जहाँ पे आपने जो है वो लिंकिंग चेंज नहीं करनी, कोई नई नोड्स आपने इंसर्ट नहीं करनी, तो वहां पे आपको जो है वो पॉइंटर को बाय रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर ना आपको जो है वो पीटीआर को बाय रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ पे टेम्पलेटेड होगा ये। तो अब मुझे ये बताएं कि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि बेस केस से शुरू करते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो है वो आगे हम लोगों के पास रिकर्जन ने बढ़ना नहीं होता। जैसा 15 के लेफ्ट साइड पे जब हम लोग इस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे उसे 15 डॉट लेफ्ट पास करेंगे, तो इससे आगे हम लोगों ने नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेक मैं लगाऊं कि जहाँ पे जाके हम लोगों ने रुक रुक जाना है, इसे लेट से हम लोग बेस केस कहते थे। तो बेस केस हमारे पास क्या होगा, सर राइट या लेफ्ट नल हो जाए तो उसका वो पॉइंटर ठीक होगा है राइट। इससे भी हम लोग सिंप्लीफाई कुछ कर सकते हैं सॉल्यूशन सर, को, आपकी पॉइंटर बात ठीक है। पॉइंटर इटसेल्फ नल हो। पॉइंटर इटसेल्फ नल हो, अगर हम लोग ये कहते हैं कि पॉइंटर डॉट राइट नल है या पॉइंटर डॉट लेफ्ट नल है, तो उसके अंदर एक मसला ये होगा जब पॉइंटर
देखो 15 पे आएंगे तो 15 के लेफ्ट के लिए इस फंक्शन को कॉल तो करेंगे ना, तो अगर हम लोग इसके फंक्शन के लिए कॉल करेंगे तो फिर पॉइंटर के अंदर हमारे पास जीरो पड़ा होगा, नल पड़ा होगा, तो नल डॉट राइट पे हमारे पास जो है हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्शन जनरेट होगी। तो हम लोग बेस केस ये कर लेते हैं कि जब हमारे पास पॉइंटर जो है वो नल हो जाता है तो इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते। जैसे 15 पे आया, 15 डॉट लेफ्ट इस काउंट नोड्स के फंक्शन को पास किया, तो हमारे पास जो है वो अब 15 के लेफ्ट से आगे जाने की जगह नहीं है। तो यहाँ पे जब पॉइंटर नल है तो हम लोग क्या क्या चीज श्योरिटी से कह सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ नोड्स है हमारे पास? जीरो सर। जीरो, वेरी गुड। तो बेसिकली 15 के लेफ्ट पे जब जाएंगे तो हमारे पास लेफ्ट पे जीरो नोड है। अब हम लोग आ जाते हैं कि हमारे पास जनरल केस क्या होगा, ठीक है? तो जनरल केस आपके ख्याल में क्या होंगे इसके? एक तो चलो जनरल केस से पहले हमारे पास ये चीज हो जाएगी कि रिटर्न वन, कि अब अगर पॉइंटर नल नहीं है ना तो इसका मतलब है किसी नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो उसको तो हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है? जो रिकर्सिव फंक्शन है अगर वो कोई रिटर्न कर रहा है कोई वैल्यू, तो उसके हर पाथ के अंदर, मतलब जिस तरह इसके अंदर एक एफ वाला पाथ है, एक एल्स वाला पाथ है, तो हर हर जहाँ पे भी कोड की जितनी भी ब्रांचेज हैं हर ब्रांच के अंदर आपके पास कोई ना कोई चीज रिटर्न होनी चाहिए। अगर रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है तो वो भी आपने रिटर्न के साथ कॉल करना है। तो रिटर्न वन तो हम लोगों ने काउंट कर लिया, जिस तरह 50 अगर इसे पास किया था पीटीआर के अंदर 50 वाली नोड का एड्रेस था, तो वन तो हम लोगों ने 50 को काउंट कर लिया। प्लस क्या करेंगे सर? प्लस इसको इसका राइट साइड वाला पास करेंगे। ठीक है, तो काउंट नोड्स पॉइंटर डॉट राइट, ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि उसके राइट नोड को काउंट कर लिया, राइट साइड पे देख लिया कि कितने चिल्ड्रन होंगे, और फिर और कुछ करना है या बस लेफ्ट को कर लिया, ठीक है? काउंट अंडरस्कोर नोड्स पॉइंटर डॉट लेफ्ट, तो ये हमारे पास हो गया। ये एक ही लाइन है ना, मैंने उसे तीन लाइंस में लिखा है, लेकिन ये एक ही स्टेटमेंट है, रिटर्न वन प्लस काउंट नोड्स पॉइंटर डॉट राइट प्लस काउंट नोड्स पॉइंटर डॉट लेफ्ट। तो पहले हम लोग 50 के राइट साइड पे जाके देखेंगे कितनी नोड्स हैं, फिर उसके राइट साइड पे जाके देखेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर लेफ्ट साइड पे जाके देखेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर हम लोग जो है वो इसके लेफ्ट पे जाके देखेंगे 25 है, फिर हम लोग उसके राइट पे जाके देखेंगे कितनी नोड्स हैं, फिर उसके राइट पे, फिर उसके लेफ्ट पे, फिर वापस 25 पे आएंगे, फिर हम लोग जो है वो 25 के लेफ्ट साइड पे जाके देखेंगे कितनी नोड्स हैं। तो दिस वुड बिकम अ राइट रिकर्सिव फंक्शन, क्योंकि रिकर्जन जो है वो पहले 50 से हम लोग 75 पे जाएंगे, 75 से 100 पे जाएंगे, फिर वापस हमारे पास जो है वो कोड जो है वापस आएगा 75 पे, फिर 75 के लेफ्ट पे जाएंगे, वो नहीं हमें मिलेगा, फिर वापस 50 पे आएंगे, फिर 50 के लेफ्ट पे जाएंगे। तो पहले अगर आप राइट के साथ इसको कॉल करेंगे तो राइट साइड पे सारा ट्री रिवर्स होगा, अगर आप इसको पहले लेफ्ट कर देते हैं फिर बाद में राइट कर देते हैं तो फिर आपके पास क्या होगा, पहले आप 50 के लेफ्ट पे जाएंगे 25 पे, फिर उसके लेफ्ट पे जाएंगे 15 पे, फिर आप वापस आएंगे, फिर 25 के राइट पे जाएंगे, फिर आप वापस आएंगे, फिर 50 के राइट पे जाएंगे, फिर आप 75 के राइट पे जाएंगे, एंड सो ऑन। तो आपके पास डिपेंडिंग अपॉन के आपके पास पहले आप लेफ्ट के साथ इस फंक्शन को कॉल करते हैं, राइट के साथ इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो आपका फंक्शन जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव या राइट रिकर्सिव हो जाएगा, ठीक है? तो ये फंक्शन जो है वो काम करेगा। इसको हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो नहीं, उसके अंदर क्योंकि रिटर्न टाइप है तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना है, अदरवाइज अगर हम लोग ने रिटर्न ना करना होता और हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होती कि हमारे पास इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, पॉइंटर जब नल है तो कुछ भी नहीं करना, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे इफ एल्स लगाने की बजाय यहाँ पे नीचे वाले ब्लॉक में लिख लेते पॉइंटर इक्वल टू नल, ठीक है? लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग जो है वो एक्सप्लिसिटली लिस्ट डाउन कर लेंगे। अच्छा जी, ये बात हो गया, इसको हम लोग जो एडीटी के अंदर हम लोग इसका फंक्शन बना लेते हैं आईएनटी लेंथ का, ठीक है? और कॉन्स्ट फंक्शन होगा ये, और ये सिंपली क्या करेगा, काउंट नोड के फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है? उसे रूट जो है वो पास कर देगा, जो काउंट फंक्शन
तो एक क्विकली चार नोट हम लोग इसके लिए लेंथ का फंक्शन कॉल करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमें जो है फोर जो है वो मिल जाना चाहिए. लेट्स ट्राई. तो लाइन को देखा करें, लाइन 44 है ना, एरर वो बता रहा है एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन में. तो यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन लगाना भूल के आज हम लोगों की पेयर प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं हो रही. तो अब हमारे पास फोर जो है वो डिस्प्ले हो गया कि फोर हमारे पास नोड्स हैं. एक और नोड हम लोग ट्राई इंसर्ट करके ट्राई कर लेते हैं, 20 इंसर्ट करते हैं. तो अब हमारे पास जो है वो 5 आ जाना चाहिए कि 5 नोड्स है. तो हमारे पास 5 जो है वो लिखा हुआ आ गया. ठीक है बेटे, तो ये रिकर्सिव फंक्शन अगर आप देखें तो बड़ा सिंपल सा रिकर्सिव फंक्शन है. अब आप ना क्या कीजिएगा कि रिकर्जन की पावर को समझने के लिए आप क्या कीजिएगा कि इस काउंट नोड के फंक्शन को आप आइटरेटिव वे में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, और फिर आप मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस जो वो शेयर कीजिएगा कि जब आपने आइटरेटिव वे के अंदर काउंट नोड्स के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा. ठीक है, अगर हम लोग उसके हिसाब से देखें तो ये टोटल मतलब 3-4 लाइन ऑफ कोड बन रहा है. इफ रिटर्न, एल्स रिटर्न, तो 4 लाइनें हमारे पास जो है वो टोटल ये बन रही हैं इस कोड की. तो आप जो है काउंट नोड के फंक्शंस को आइटरेटिव वे में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा और फिर आप बताइएगा कि हमारे पास जो है वो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा. अच्छा, रिकर्जन से रिलेटेड मैं आपको एक बात बता दूं कि रिकर्सिव फंक्शंस को ना ये कभी भी हमारे पास ट्री की हाइट बहुत सारी होगी. जारी बात है जितनी ट्री की हाइट कम होगी उतनी के पास रिकर्सिव कॉल्स कम होगी. ब्रांच में जा रहे होते हैं ना तो रिकर्सिव कॉल्स. जी कोई और भी कंफर्म कर देगा. यस सर, कट रही है. यस सर, बहुत ज्यादा कट रही है. अच्छा, जस्ट मुझे एक मिनट दीजिएगा.